हेलो एवरीवन, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेकंड का इंग्लिश का सिलेबस। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या सिखाना होता है, इंग्लिश रीडर में आपको वन वर्ड आंसर, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे सिखाने होते हैं, तो वो आपको पता ही है। हार्ड वर्ड्स बेसिकली हमें ग्रामर में पता करना होता है कि क्या क्या सिखाना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखिए, जैसे द अल्फाबेट, तो उसमें आपको आपको क्या सिखाना होता है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जो आपने पहले भी बच्चे को बता रखा है, बट उससे फॉर्मेशन के क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, वोवेल्स के फोनिक साउंड्स के क्या वर्ड्स बनते हैं, कॉन्सोनेंट्स जैसे जिनकी हेल्प से डायग्राफ बनते हैं तो उनके वोवेल साउंड से क्या बनते हैं, फिर कोई एक डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी मतलब जैसे अगर आपने बच्चे को भी सिखाया है ए फॉर एप्पल, तो आप उसको ए फॉर एक्स सिखाइए, बी फॉर, मतलब एक वो जो ए टू जेड आपने पूरा सिखाया उसको चेंज करिए, बच्चे से पूछिए और कि वो बच्चा डिक्शनरी मतलब उसे डिक्शनरी में कौन कौन से और वर्ड्स हैं, जैसे ए बी सी डी, तो जैसे ए फॉर एक्स बोलेगा, ए फॉर एलिगेटर बोलेगा, बी फॉर बॉक्स बोलेगा, सी फॉर अगर कैट पढ़ा है तो कैमल बोलेगा, डी फॉर डोंकी बोलेगा अगर डॉग पढ़ा है, तो इस तरीके से। देन सेंटेंसेस होता है सेकेंड चैप्टर, जिसमें हमें फ्रेमिंग अ क्वेश्चन यूजिंग डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स या तो व्हाट हो सकता है, विच हो सकता है, हुज हो सकता है, तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन से बनता है और इसका जो आंसर है यूजिंग देयर इज या देयर आर से होता है। अगर आपको ये देखना है तो जैसे मैं दिखाती हूँ, इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे ये आते हैं, माला इज हैप्पी, तो वो क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा, इज माला हैप्पी, इट इज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, इज इट अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें बच्चे को आपने सिखाना होगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू लिविंग, व्हाई आर यू गोइंग टू द मार्केट, हु इज योर सिस्टर, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, हाउ ओल्ड आर यू, तो ये क्या है, बच्चा समझेगा कि क्या क्वेश्चन है, जैसे डब्ल्यू एच की बात हो रही है। देन हम आते हैं नाउन्स में। नाउन को आपके नाउन्स के टर्म्स में नहीं समझाना है, आपको किसमें समझाना है, नेमिंग वर्ड्स, और नेमिंग वर्ड्स के बाद धीरे से इंट्रोडक्शन आपको कर देना है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आप समझते हो और कॉमन नाउन भी आपको पता ही है। अगर आपको इसका टर्म्स देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे 13 अगर आप ये बात करेंगे तो ये हमें पता ही है, पर्सन, वो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, उन सबको हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स, या उनको हम कह सकते हैं नाउन, सेकेंड क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है। और जैसे मैं आपको आगे दिखा दूं, इसमें देखिए नेम ऑफ पर्सन करना है प्रॉपर नाउन, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ही काम करेगा, सर्कस में क्लाउन करेगा, शूज कॉबलर ही बनाएगा, तो इस तरीके के जो होंगे वो प्रॉपर नाउन होंगे। कॉमन नाउन में जैसे हो सकता है कि इधर दिखा रही हूँ, आई, चेन, ये सब क्या है, कॉमन है, मतलब किसी के बॉडी, ये सारे ही बॉडी पार्ट्स है, आप बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो उसमें ये चीजें कॉमन आएंगी, तो इस तरीके से है। तो आपको ये मेनली इंट्रोडक्शन हो जाता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। फिर आपको आता है वन, और जिसको आप कहते हो सिंगुलर प्लूरल, लेकिन इसमें आपको जो फेमिनाइन है, मतलब फेमिनाइन और जो मैस्कुलाइन जो वर्ड है, नाउन है, वो आपको इंट्रोड्यूस होता है ही और शी वर्ड्स के टर्म्स में। मतलब ही जैसे ऑक्स को बोलेंगे, शी वर्ड में उसको क्या बोलेंगे, काउ। तो आपको एक बार बता देना है मैस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है, बट बच्चे को आपने अभी तो यही बताना है कि ये ही है, ये शी है, इस तरीके से। तो इसी में हमारा सिंगुलर और प्लूरल नाउन होता है, बट इसमें जो है पूरे रूल्स, जो फोर बेसिक रूल्स होते हैं, वो बता दिए जाते हैं बच्चे को। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहले सिंपल वाले टीचर्स जिसमें सिर्फ एस लगता है वो पहले बच्चे को बताए जाते हैं, फिर सी एच वाले जिसमें लास्ट में ई एस लगने लगता है, एक्स ई एक्स, ब्रांचेस ब्रांचेस, इस तरीके के होते हैं, फिर लास्ट में जिसमें एफ लगता है या एफ ई लगता है तो उन्हें हटा के वीएस हो जाता है, और ये भी आ जाता है जिसमें हमारा आईईएस लगता है। तो इतना हमारा सिलेबस में होता है, तो आपको बच्चे को ये बनाना है। फिर आ जाता है हमारा यूजिंग एस विथ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन, ये हमारी बात हो रही है अपोस्ट्रॉफी एस की, तो इसका भी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इसमें आ जाता है सेकेंड क्लास में। अगर आपको ये भी देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये मेरे बेबी की कॉपी नहीं है, बेबी इतने बड़े नहीं है, ये देखिए, जैसे ये हुज बुक, द टीचर आस्क सुमा हुज बुक इज दिस, सुमा सेज दिस इज अमित बुक, दैट मीन्स कि दिस इज अमित की बुक है ये, तो ये अपोस्ट्रॉफी का जो अपोस्ट्रॉफी एस का इंट्रोडक्शन है इसमें हो जाता है। तो आपने बच्चे को ये सिखाना है डूइंग वर्ड्स, मतलब वर्ब का फॉर्म होता है, तो पहले हम वर्ब के पहले मैंने वीडियो भी डाला है, आप चेक करिए, डूइंग वर्ड्स कहते हैं, तो आपको बच्चे को सिखाना है कि वॉट आर डूइंग वर्ड्स, तो आपको करेक्ट करना है डूइंग वर्ड्स को, और एनिमल्स की क्राई या एनिमल साउंड भी आप बोल सकते हो, आपने बच्चे को वो सिखाना है। अगर आपको वो भी देखना है तो मैं ये दिखा देती हूँ डूइंग वर्ड्स, जैसे
द लेडी सिट्स अंडर एन अम्ब्रेला, कहाँ बैठी है, उसके नीचे बैठी है, और बॉय मेक्स ये कर रहा है एक सैंड कैसल बना रहा है, द बॉय सिट्स ऑन द सी, इस तरीके से कर रहा है। फिर ये देखिए हॉर्स गैलप्स, उसकी आवाज, या फिर नहीं कूदने की, फिर कंगारू हॉप्स, पिकॉक डांसेस, तो इस तरीके के आपके वर्ड्स आ जाते हैं। फिर इसी में आपका आ जाता है एनिमल्स क्राई, क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि वो बोल रहा है, भौंक रहा है, रोर कर रहा है, तो उसी में बच्चों को इंट्रोडक्शन हो जाता है एनिमल्स के साउंड का। तो ये वर्ड का एक तरीके का फॉर्म है, तो आप बच्चे को ये भी इन्वॉल्व कराइए। फिर उसके बाद आपका आएगा इज एम आर का इंट्रोडक्शन वर्ड होगा, वो आई एन जी के फॉर्म में, जैसे राम इज प्लेइंग, आई एम स्टडिंग, इस तरीके से। तो इज एम आर का आई एन जी के हेल्प से होगा। फिर हैज और हैव आएगा, वो आपको पता ही है, नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स वगैरह के लिए सिंगुलर होता है, हैव आता है प्लूरल वंस के लिए, तो आपका ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर आपका वर्ब मतलब आगे स्टार्ट कर दिया, जिससे कि थर्ड क्लास में हमारा टेंस इंट्रोड्यूस हो पाए। तो ये देखिए ईडी वर्ड्स का इंट्रोडक्शन भी आ जाता है वाज और वर्ब में। अगर इसकी हम बात करें तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, मीनू एंड विमी वर सिटिंग इन द गार्डन, दे वर रीडिंग इन द नटकिन, ट्राई टू फाइंड नट्स, मीनू एंड विमी कॉल्ड द स्क्वायरल, नटकिन वॉज हैप्पी। तो इस तरीके से वाज वर और ईडी का इंट्रोडक्शन इसमें आ जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, इसमें आ जाता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में यूज, व्हाट आर एडजेक्टिव, यूजिंग एडजेक्टिव कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑपोजिट्स का आ जाता है, एडजेक्टिव इन कंपैरिजन भी आ जाता है। तो अगर इसका मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए एडजेक्टिव, जैसे शॉर्ट लेडी, सनी, सॉफ्ट, स्वीट, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये बताएंगे इट इज अ सनी या क्लाउडेड है, तो मीन्स वो जो उसकी विशेषता है वो कैसे हम बता रहे हैं, तो इस तरीके का यूज हम बताएंगे एडजेक्टिव का। फिर इसी में आ जाता है छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, तो बिगर, वार्मर, कोल्डर, तो जैसे क्या है यंग है तो यंगर, मतलब सिंपल सिंपल से वर्ड, हॉटर, स्मॉलर, नियरर, क्लेवरर, फास्टर, हैवियर, टॉलर, तो सिंपल सिंपल से ये इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव्स के डिग्रीज का भी कर दिया जाता है। देन आपका ए एंड द का, ए एंड द का आर्टिकल का यूज होता है, प्रोनाउन होते हैं, आइडेंटिफाइंग प्रोनाउंस, एडवर्ब आ जाते हैं जिसमें एल वाई वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। जैसे एडवर्ब में मैं आपको बताऊं, ये देखिए एल वाई वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जैसे लाउडली, स्वीटली, हैवली, फास्टली, तो इस तरीके के वर्ड्स का इंट्रोडक्शन आपको एडवर्ब में देना है। प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, आप समझते हो, मैंने एक वीडियो भी डाला था एंड का, इसको स्पेलिंग एड आप समझिए। आजकल आप हर जगह एक्टिविटी में देखते हो स्पेलिंग एड का मतलब कुछ नहीं होता, ये इस तरीके का इंट्रोडक्शन होता है जिसमें ये पजल टाइप के बना देंगे और फिर जैसे करेंगे डू यू फाइंड 10 वीई वर्ड्स करिए, फाइंड करिए, या फिर कुछ भी दे सकते हैं, एनिमल्स के नेम फाइंड करिए, कलर्स के नेम फाइंड करिए, तो इस तरीके की ये होती है स्पेलिंग एड। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा कंपोजिशन, तो रीअरेंजिंग वर्ड्स, पिक्चर रीडिंग एक तरीके की होती है, तो इसका भी मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये देखिए कंपोजिशन, जैसे सिंपल से एक पिक्चर दिखा देंगे, बॉय हैज थ्री लेग्स, रैबिट और क्रोकोडाइल, या ये जो भी आपको बताना है कि स्नेक इज देयर इन द रिवर, देयर आर फोर एप्पल, सन इज शाइनिंग, मंकी इज देयर, मतलब इस टाइप के छोटे छोटे बच्चे को जो अपने आप हिसाब से समझ में आए छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन करने होते हैं। तो ये था सिलेबस इंग्लिश का, अगर सेकेंड क्लास का। अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा है तो प्लीज से लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।